हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा अग्रवाल। पिछले दो लेक्चर्स में हमने थर्ड चैप्टर अ फादर्स लेटर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा। आज के लेक्चर में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप मेरे साथ ध्यान दीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन आंसर्स नोट करते जाइए और उसे समझते जाइए। पहला प्रश्न, व्हाट हैपन्स इफ वी प्री जज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब हम फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की घटनाओं को पहले से ही जज करने लग जाते हैं, पहले से ही हम उस पर अपनी राय देने लग जाते हैं। आंसर, इफ वी प्री जज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, वी क्रिएट एनिमीज एंड फेस हार्डशिप। अगर वी प्री जज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, अगर हम लोगों को और फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की घटनाओं को प्री जज करने लगते हैं, पहले से ही उनके बारे में अपनी राय देने लगते हैं। वी क्रिएट एनिमीज, हम एनिमीज शत्रु बनाते हैं। एंड फेस हार्डशिप्स, और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म होस्टिलिटी। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका टू डिसआर्म होस्टिलिटी, होस्टिलिटी को, हिंसा को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। द बेस्ट वे टू डिसआर्म होस्टिलिटी इज टू अवॉइड फॉल्ट्स दैट वी सी इन अदर्स। द बेस्ट वे टू डिसआर्म होस्टिलिटी, होस्टिलिटी को, हिंसा को दूर करने का बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है टू अवॉइड फॉल्ट्स दैट वी सी इन अदर्स। हम अदर्स में, दूसरों में जो फॉल्स, गलतियां देखते हैं, उसे हम अवॉइड करें। क्वेश्चन थ्री, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर। डिस्पाइज, घृणा करना। हमें एनी वन, किसी को भी, किस बात के लिए डिस्पाइज नहीं करना चाहिए, किस बात के लिए घृणा नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर डिस्पाइज एनी वन, हमें कभी भी किसी से घृणा, फॉर हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के लिए नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। प्लेमेट्स, खेल के साथी, और स्कूलमेट्स, स्कूल के साथी, क्या अंतर है दोनों में। विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे। लेखक ने समझाया है लेसन थ्री में, विथ प्लेमेट्स, प्लेमेट्स के साथ में आप योर ओन वे, अपना तरीका चला सकते हो। बट स्कूल मेट्स आर योर इक्वल्स, परंतु स्कूल मेट्स जो हैं, स्कूल के साथी जो हैं, वो आपकी इक्वल्स हैं, बराबर हैं। यू हैव टू एडजस्ट विद देम, और आपको इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन फाइव, हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। किस तरह से स्कूल लाइफ, स्कूल की का जीवन, प्रिपेयर अ चाइल्ड, एक चाइल्ड को तैयार करता है टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को फेस करने में, सामना करने में किस तरह से तैयार करती है। आंसर, इन द स्कूल अ स्टूडेंट हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। जब कोई स्टूडेंट स्कूल में होता है, तो उसे मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं फेस करना होती है। एंड एडजस्ट हिमसेल्फ टू डिफरेंट सिचुएशंस, और बहुत सारी अलग अलग, डिफरेंट अलग अलग तरह की सिचुएशंस, परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना होता है। दिस प्रिपेयर्स अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड, दिस, ये बाहरी समस्याओं से एडजस्ट करना,
दिस प्रिपेयर्स, ये तैयार करता है एक चाइल्ड को टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड, कि वो बाहर की दुनिया फेस कर सके। अब देखिए, ये दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके मैंने आपको आंसर बताए हमारे 12th के क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में कुछ बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं 4 नंबर के, और इनके उत्तर भी थोड़े बड़े होते हैं। तो इस लेसन में से जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है वो है, एक ही प्रश्न है, एक्सप्लेन ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। एक्सप्लेन, समझाइए, क्या समझाना है आपको? ट्रू इक्वालिटी, सच्ची बराबरी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी, ही सच्ची नैतिकता है, और ट्रू विजडम या फिर ये सच्ची चतुराई है, बुद्धिमानी है। इसका उत्तर, द ऑथर एक्सप्लेन्स टू हिज सन, लेखक विलियम हैजलिट जो हैं, इसके लेखक हैं, वो अपने बेटे को एक्सप्लेन करते हैं, दैट ऑल मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स, दैट ऑल ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं सबको इक्वल ट्रीट करना है, बराबरी से व्यवहार करना है, सो दैट एवरीबडी इज इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ताकि सभी शांति से रहें और उन्हें प्रॉस्पेरिटी संपन्नता मिले। अकॉर्डिंग टू ट्रू मॉरलिटी देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ एंड बर्थ। अकॉर्डिंग टू ट्रू मॉरलिटी, अगर हम सच्ची मॉरलिटी, सच्ची नैतिकता की बात करें, तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन वेल्थ एंड बर्थ, जो कि वेल्थ संपत्ति के आधार पर हो या बर्थ जन्म के आधार पर हो। दिस इज ट्रू विजडम अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार, यही ट्रू विजडम है, सच्ची बुद्धिमानी है, दैट एवरीबडी इज गिवन इक्वल राइट्स, कि हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिले। आशा है आपने प्रश्न उत्तर नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।